extra time. उसको मैं लूंगी तो जी बड़ी खुश होकर ऐसे ऐसे करूंगी, मेरा बेटा बहुत अच्छा लगा सारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, गले लगाऊंगी। ये ओलंपिक गेम्स थे उसमें उसका पदक आ गया, इसलिए ना तो इससे पहले तो कोई भी ना आया, एशियाड में भी मेडल आया था उसका, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बहुत गणे मेडल है, और वो तो बचपन से ही उसके पास ये सब इंटरनेशनल मेडल हैं। जब पहली बार ये कंपटीशन लड़ा दिल्ली स्कूल का, तब इसका जो कंपटीशन कुश्ती देखी मैंने, तो इसने 7 सेकंड में जीती पहली कुश्ती। तो वो मैं जब मुझे लगा कि ये तो वाकई में कोई चेंज है, ये जब था ये 12 साल का होगा, 11 साल का तो ये जब ही आया था, और ये मेरा नाम सुन के ही आया था कि मैं पहलवान जी के अखाड़े में जाऊँगा, वहाँ कुश्ती सीखूंगा। तो उसके बाद अगले साल ही ये नेशनल स्कूल गेम में फर्स्ट आ गया सेम ईयर, और अगले साल ये वर्ल्ड कैडेट में गोल्ड मेडल लेके आया। तो वो एक शुरुआत इसकी ऐसी थी, उसका कारण क्या था कि ये मेहनत बहुत ज़्यादा करता था। बहुत ज़्यादा खुशी है जी, हमारे से ज़्यादा तो पूरे देशवासियों को खुशी है, पूरे ग्रामवासियों को खुशी है। आज भगवान का दिन है जी, भगवान का आशीर्वाद था, और बहुत खुशी मनी हमारे सारे गांव में, पटाखे बम मिठाइयां बटी, ढोलक बजे, नाचे गाए। पहली बात तो ये कि ओलंपिक मेडल को एक खास बात है, बहुत ही खास बात है, तो आपको क्या लगता है कि इस मेडल से रेसलिंग को कितनी फ़ायदा पहुँचेगी? रेसलिंग से बहुत इम्प्रूव होगा रेसलिंग में, और सभी जो पीछे हटके थे रेसलिंग से वो अब आगे आएंगे, जो नए नए बच्चे हैं उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और आगे मेडल जीतेंगे वर्ल्ड में और ओलंपिक में। बिल्कुल, भारतीय कुश्ती तो अब शिखर पे है, और सुशील के इस मेडल से, इस परफॉर्मेंस से, और परफॉर्मेंस क्या, उसने रूस को हराया, अमेरिका को हराया, कजाकिस्तान को हराया, जो कुश्ती के सबसे अच्छे देश हैं, उनको हरा के मेडल जीता।
जब ब्रॉन्ज मेडल जीता, जब विक्ट्री स्टैंड में खड़े थे, तो पहली बात क्या दिमाग में आई, किसका याद आया? बड़ी खुशी हुई और भगवान को याद किया कि भगवान सब कुछ अच्छा कर दिया तूने, और बड़ी खुशी हुई देश का झंडा ऊपर चढ़ते हुए। फ्यूचर में रेसलिंग को कुछ देना चाहोगे, मतलब आप? हाँ, बिल्कुल सिखाना चाहूँगा, रेसलिंग छोड़ने के बाद रेसलिंग में ही रहूँगा।